है महिलाएं तो टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। अभी हमने लागू कर दिया है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करें, इंतजार करें, इंतजार करें। 70 साल में हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल एकदम लाइन गायब हो गई थी, कोई योजनाएं नहीं थी। आज जो है मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास, आज सब राशन ले रहे हैं, सब स्कीम ले रहे हैं, और सब जनाबे आली, जनाबे आली क्या नाम है आपका? आसिफ खान एंटोनी। अच्छा अच्छा, आप आसिफ खान एंटोनी, कई जगह मौजूद हैं आप? जी हाँ, निकनेम है एंटोनी आसिफ खान। आसिफ खान साहब, तो आसिफ खान साहब आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये फरमा रहा था कि योजनाएं का सब लाभ ले रहे हैं। 70 साल में हमारी योजनाएं हम तक नहीं पहुंची, ना नौकरी पहुंची, ना आर्मी में, ना किसी चीज में। आज 14 से लेकर सबका साथ सबका विकास, और सबको मिला, महिलाओं को भी मिला। खाना जब पकता है तो उसमें टाइम लगता है। अब आप इंतजार करें, आपके लिए महिलाओं के लिए खोल दिया। आसिफ खान एंटोनी साहब कहते हैं चूल्हे पे बिरयानी रख दी गई है और पकने का इंतजार करिए, और जब पकेगी तब मिलेगी, आप सबको बटेगी, सबको मिलेगी, पहले इंतजार करिए। आसिफ खान एंटोनी साहब जी, पूरी बात करिए आप अपनी। जी देखिए, आश्वासन आश्वासन देते रहते हैं, पर ये आरक्षण के नाम पे सिर्फ महिलाओं को भ्रमित किया गया, धोखा देते हैं, भ्रमित करते हैं। जी जनाब आली, अब आपका जी। मैं एक मिनट, भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये नगरी है, मैं यहाँ मौजूद हूँ हरशंकर प्रसाद जी की, परसाई जी की, मैं चाहता हूँ कि कोई बोले तो जरूर बोले। जी स्वागत है आपका। प्रतीक जी, सबसे पहले तो संस्कारधानी में सारे साहित्यकारों की तरफ से आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि साहित्यकार हूँ इसलिए मैं किसी पार्टी का तो नहीं हो सकता, और अगर मैं किसी पार्टी का हूँगा तो ये साहित्य के नाम पे कलंक हो जाइए किसी का, सर मौसम चल रहा है। नहीं 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 सर, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जब मंच पे चढ़ रहे थे और उनका पैर फिसला था और वो गिरने लगे थे, तो उनको दिनकर जी ने संभाल लिया। जी दिनकर जी ने संभाल लिया, दिनकर जी ने संभाला था, तो उन्होंने कहा था धन्यवाद, तो दिनकर जी ने कहा था नहीं नहीं धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो उसे साहित्य ही संभालेगा। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है, मुझे लग गया ये जबलपुर में मौजूद हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। तो आपके कार्यक्रम की शुरुआत ही उस फकीर की पंक्तियों से हुई है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पीड़े खजूर, चढ़ पाए तो चढ़ गए, गिरे तो चकनाचूर। यह स्थिति यह है साहब, क्या आप देखिए ये जो चुनाव का त्योहार चल रहा है, अंदर आइए जनाब आली तभी मजा आएगा। जी आप देखिए कि उसमें कहा है कि पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, लेकिन साहब इस चुनाव में सारे खजूर झुक जाते हैं, सारे झुककर आपके चरणों पे आ जाते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है साहब कि आप चुनाव में जिस तरह से सोचते हैं उसके बाद अगर आप जितना अपने परिवार के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं उसका सिर्फ 1% जनता के लिए सोच लें साहब। और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, ये पार्टी, इन पार्टियों के जंगल में देश कहीं गुम गया। प्रतीक जी आदर है, स्वागत है। देश गुम गया है कहीं पे, तो कोई भी पार्टी के लोग हो, देश की बात करें, पार्टी की बात स्वागत है आगे, लेकिन देश की बात करें। और इन सारे लोगों से मेरी अपनी एक चार, वैसे मैं एक बात बताऊं कि भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए किसी की 2 पंक्तियां उससे अच्छी पंक्तियां हो ही नहीं सकती, आपको कोट करने के काम में आएंगी, कि टंगे फ्रेम में जड़े हुए हैं, टंगे अगर थोड़ी देर ज्यादा आवाज करी तो निश्चित तौर से फ्रेम में ही टंगे हो गए, पक्का बता रहा हूं, पक्का फ्रेम में टांग दी जाएंगे। जी टंगे हुए हैं, टंगे फ्रेम में जड़े हुए हैं, ये सारे नेता भी सारे सुन लें कि टंगे फ्रेम में जड़े हुए हैं ब्रह्मचर्य के कड़े नियम, और उसी फ्रेम के पीछे चिड़िया गर्भवती हो जाती है। ये इस देश की विडंबना है साहब, इस देश के पॉलिटिक्स की विडंबना है। मुझे किसी नेता से शिकायत नहीं है, मुझे सियासत से शिकायत। परसाई जी को ध्यान रखिएगा, बाकी सब बोलते रहिए। जी हाँ, मैं तो उनके सानिध्य में रहा हूँ, परसाई जी के जी। उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं एक अपनी 4 पंक्तियां सबसे देना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है साहब। कि जिस देखिए जब ये माहौल आता है तो मुझे एक तकलीफ होती है, मैंने उनको 4 पंक्तियों में कहा है कि जिस्म से साए यहाँ दूर से गुजरते हैं, जिस्म से साए यहाँ दूर से गुजरते हैं, भूख के खौफ से सारे चराग डरते हैं, और बैनरों से मेरे शहर को ढांकने वालों सैकड़ों लोग यहां बेकफन भी मरते हैं।